गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 10 में इंग्लिश ग्रामर में मैं कल आप लोगों को मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था जो है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के टू बी के प्रयोग में इन्फिनिटिव के प्रयोग, और अब उसके बाद पास्ट टेंस में पास के अर्थ में पास या रखने, रखना के अर्थ में हैड के प्रयोग, जैसे उसके पास एक कलम थी। देख रहे हैं अभी सिंपल रूप में, तो इसका क्या होगा, ही हैड ए पेन। तो इसके अर्थ में रखना के अर्थ में जो है इसी को आप डिटेल कीजिए। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। और ये नियम है इसके, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और इसके वर्ब है हैड, फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और अंत में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप का चिन्ह है ये लिखेंगे, जैसे जैसे इसी में देखो, जैसे इसी को कर लीजिए आप लोग, उसके पास एक कलम थी तो क्या हो गया, ही हैड ए पेन। दूसरा, तुम्हारे पास एक फूल था तो क्या होगा, यू हैड ए फ्लावर, या सीरियल को डब्ल्यू डी आर, और अंत में फुल स्टॉप। नियम देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, और फिर अंत में कॉम्प्लीमेंट, तथा सबसे अंत में फुल स्टॉप। क्योंकि यहाँ देखो इसकी अकेली क्रिया है और पास्ट टेंस में है, आप जानते हैं इसकी पहचान मैंने बताया है था थी थे, यहाँ देखो था थी थे आया है कि नहीं आया, तो इसीलिए यहाँ क्या प्रयोग होगा, अगर वो रखना के अर्थ में है या पास्ट के अर्थ में है तो निश्चित रूप से हैड के प्रयोग होते हैं। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जब हिंदी वाक्य के बीच में बीच में
नकारात्मक शब्द, शब्द नहीं या कभी नहीं, के प्रयोग हो तथा वह वाक्य पास्ट टेंस के हेड के प्रयोग में है तो अनुवाद इस क्रम से होता है। इसका नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब है, हैड की वर्ब है हैड, फिर नॉट या नेवर, और फिर कॉम्प्लीमेंट और अंत में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जैसे विद्यार्थी के पास पुस्तक नहीं थी, क्या होगा द स्टूडेंट हैड नॉट हैड नॉट द बुक, यहां देखिएगा, यहां मैंने देखा ना सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर का हो या प्लूरल नंबर का हो सबके साथ हैड का प्रयोग होगा, फिर हैड के तुरंत बाद नॉट या नेवर के प्रयोग होते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट होते हैं और अंत में फुल स्टॉप के प्रयोग होते हैं। ये नियम है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
also it is sentence. Bracket mein plus na ba chuka. और इसका पहला नियम, जब प्रश्नवाचक शब्द या ये वाक्य में पहले, वाक्य में पहले हो और वह वाक्य और वह वाक पास्ट टेंस में टेंस के पास या रखना के अर्थ में है, है। तो अनुवाद निम्न प्रकार से होता है, से होता है। इसका नियम है सबसे पहले वर्ब और उसके वर्ब क्या है, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इसका भी ठीक है, जैसे क्या मोहन के पास एक काली गाय थी, क्या होगा, हैड मोहन ए ब्लैक काउ, और अंत में क्वेश्चन ये लिखेंगे। सबसे पहले जो है टू बी की और मतलब हैड की बात है, हैड होगा, फिर सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये नहीं है। और इसी का दूसरा नियम, जब डब्ल्यू एच के शब्द शब्द वाक्य के बीच में हो तथा
वह बात पास के अर्थ में मैं पास्ट टेंस में है तो अनुवाद इस प्रकार से होता है अन्यम सबसे पहले डब्ल्यू एच के शब्द वर्ग इसकी है हेड फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तथा अंत में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क इसका चिन्ह है ये जैसे तुम्हारे पास यह कलम क्यों थी तो क्यों की अंग्रेजी वाई हैड यू दिस पेन और अंत में क्वेश्चन इसका देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एच के शब्द लिखेंगे फिर वर्ब है फिर सब्जेक्ट है फिर और अंत में कॉम्प्लीमेंट तथा सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क ये लिखते हैं और इसके बाद जो है चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नौ नकारात्मक इसका पहला में जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले हो
तथा वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द नहीं या कभी नहीं के प्रयोग तो अनुवाद निम्न से निम्न नियम से होता है। नियम लिखिए सबसे पहले वर्ब और इसके वर्ब है हैड, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट या नेवर, फिर कॉम्प्लीमेंट और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नीचे जैसे क्या लड़कों के पास पुस्तकें नहीं थी और अंत में क्वेश्चन है तो क्या कि कोई अंग्रेजी नहीं है। द बॉय नॉट है, द बॉय नॉट बुक्स और अंत में क्वेश्चन। सो दूसरा सेंटेंस क्या इस समय उस समय उसके पास धन नहीं था। क्या होगा हैड ही नॉट मनी, हैड ही नॉट मनी, हैड दैट टाइम और अंत में क्वेश्चन। यहाँ देखो सबसे पहले वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर और फिर जो है कॉम्प्लीमेंट है ये। और इसका आखिरी नियम
का दूसरा नियम है, जब डब्ल्यू एच के शब्द शब्द वाक्य के बीच में हो तथा वह वाक्य पास्ट टेंस के पास के अर्थ में के अर्थ में नेगेटिव सेंटेंस में हो तो अनुवाद निम्न नियम के अनुसार निम्न नियम से होता है। नियम देखिए, सबसे पहले डब्ल्यूएच के शब्द वर्ब है, उसकी वर्ब है फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, कॉम्प्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये सीधा सा जैसे यह कलम उसके पास क्यों नहीं थी, और अंत में क्वेश्चन तो क्योंकि वाई हैड ही नॉट दिस पेन, दिस पेन, और अंत में क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर इसकी जो वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, और अंत में कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। इस प्रकार से ये पास के अर्थ में खत्म हो गया, और बाकी इसका कल नहीं पढ़ा।